हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नायला। तो आज हम बनाने वाले हैं DIY वॉल हैंगिंग विदाउट यूजिंग एनी पेंट। तो एक्चुअली मेरे पास पेंट ख़त्म हो गया था, तो हम इसलिए हम बनाएंगे इसको वूल से। तो हमें एक पेपर लेना है कोई भी, इसको एक पतली सी स्टिक से ऐसे राउंड एंड राउंड करना है कुछ इस टाइप से। इस टाइप से एंड देन ये हो गया है ऐसा। और ये जब फुली हो जाता है तो यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ग्लू। तो इसको ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और हम इस स्टिक को काटेंगे और हमको इसको एक मेजरमेंट देंगे हम इसको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे कुछ इस टाइप के, और ये कट हो गया है और ये करेक्ट मेजरमेंट में आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, हम मेरे पास है पिंक वूल और एक है ब्लू वूल। तो हम ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, लाइक बहुत सारे ऐसे बनाएंगे और हम इनको सेपरेट कर लेंगे। मीन्स चार ब्लू और चार पिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाते जाना है कुछ इस टाइप में, और ये हमको फुल कंटिन्यू करना है। तो ये हो गया है और हम इसको अभी कट करेंगे और यहाँ पे एज पे पूरा थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। अरे ये तो ज़्यादा ही हो गया, अब थोड़ा सा लगाना और इसको ऐसे लपेट देंगे। कुछ इस टाइप में तो ये बन गए हैं। तो ऐसे मैंने बनाए हैं और तीन। तो ये है हमारे पास और तीन जो मैंने बनाए हैं। और हम अभी जो ब्लू कलर का मैंने आपको बताया, तो सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है ब्लू को भी। तो अगर ये अच्छे से स्टिक ना हो जैसा मेरा अभी हो रहा है ऐसा, तो इसको आप ग्लू से टेप से भी चिपका सकते हो। तो ये हो गया है। ओके, तो अभी हम जो ये बच्चा कुचा होता है इसको यहाँ पे वूल पे थोड़ा ग्लू लगाएंगे और इसको हम स्प्रेड करके इसको यहीं लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये है ना थोड़ा सा मजबूत रहेगा थोड़ा। ओके, तो ये हो गया है और हम अभी ऐसे ही ब्लू कलर के सेम प्रोसेस रिपीट करके ब्लू कलर के भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गए हैं बहुत सारे स्टिक्स, यहाँ पे चार ब्लू और चार पिंक। तो अभी सिंपल है, हमें क्या करना है, थोड़ा एक स्टिक लेके उस पर ग्लू लगाना है, ग्लू लगा के इसको ऐसे स्टिक कर देना है। हो गया। और दूसरी साइड यहाँ पे भी ग्लू लगाना है और इसको भी यहाँ पे स्टिक कर देना है और यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप का हमें चाहिए, तो हमें चाहिए स्क्वायर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस गाइस। तो हमें चाहिए ऐसा कुछ स्क्वायर। तो हम इसको गम से स्टिक करेंगे। तो ये हो गया है स्टिक। तो एक्चुअली
ये वाले ग्लू से स्टिक ही नहीं हो रहा था, तो मैंने वेरी क्विक से चिपका दिया। तो इसको भी हम सेम करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस गाइस, बहुत है पता है, बट आई एम रियली सॉरी। तो देखो ऐसे, तो इसको ऐसे, तो गाइस ये हो गया है ऐसा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको कुछ इस टाइप में हम स्टिक कर लेंगे। हाँ ऐसे स्टिक कर लेंगे हम कुछ इस टाइप में, तो ये ऐसे होगा। तो आप अपने पेरेंट्स को की परमिशन लेके करें, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, एक बार चिपक गया तो कभी नहीं निकलता। तो ये हो गया है कुछ ऐसा। तो अभी हम, मेरे पास है यहाँ पे कुछ क्राफ्ट पेपर्स, तो मेरे पास है यहाँ पे ये कलर, तो इसको कुछ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको कुछ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो कुछ हम इसको ऐसे कट कर लेंगे और इसका एक फ्लावर बनाएंगे। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस गाइस, एक्चुअली बहुत है पता है। तो ये हो गया है हमारा एक फ्लावर। तो हम इसको कुछ इस तरह करेंगे और इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे, वो भी हम इसे ही करेंगे। तो इसमें आता है थोड़ा और हमें यूज़ करना है ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा सा लगा के यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और ये जो हमने ऐसा कट किया था इसको भी ऐसे कट कर लेंगे, तो इसका भी हम फ्लावर बना। तो मेरे पास तो बीट्स ख़त्म हो गए हैं, तो मेरे पास है यहाँ पे पंच और एक ब्लैक पेपर। तो इसका हम पंच, इसको हम पंच करके यूज़ करेंगे। तो ये हो गया है कुछ इस तरह से पंच, और हम इसमें से कर देंगे ब्लैक कलर के जो हमने कट किए थे। तो ये हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास दो, तो हम इसको इस ग्लू से स्टिक करेंगे बीच में, एकदम सेंटर में। कुछ इस तरह ग्लू लगाएंगे और इनको कुछ यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हो गया है। तो ये हो गया हमारा वॉल हैंगिंग बन के रेडी। तो ये हो गया है हमारा वॉल हैंगिंग बन के रेडी। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।